बहुत अच्छा लगा ये लाफ्टर शो में आकर के। हमें ऐसा लगा कि एक बार इस शो को सबको देखना चाहिए। इस शो में सबको पॉजिटिविटी मिलती है। ये शो जो है ना, ये सबको जोड़ने का काम करता है, सबको कनेक्ट कर, परिवार को। आजकल रिश्ते बिखर रहे हैं, रिश्तों में तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारी जानते हैं क्या है? डिप्रेशन की। हर व्यक्ति चिंता में डूबा हुआ है। और ये जो शो है ना, लाफ्टर शो है, ये बहुत अच्छा है। इन्हें तो बड़ा आशीर्वाद भी मिलेगा सबका। देखिए वहां पे सभी अच्छे हैं, सभी हंसा रहे हैं, सभी अच्छा काम कर रहे हैं, पर कृष्णा और भारती ये तो मजे हुए हैं, स्वदेश जी मजे हुए हैं। तो ये तीनों का जो काम है ना, वो इन तीनों का काम बहुत अच्छा है। बाकी पूरा प्रोग्राम ऑल आउट बहुत अच्छा था, लेकिन कृष्णा तो कृष्णा है, वो तो पंच मारने में बिल्कुल परफेक्ट। तो पहली बार में मैं खुल नहीं पाया। मैं जितना बोला वो तो खुल की बोला, लेकिन फिर भी मैं पूरा जितना खुलता हूँ ना, वैसा नहीं खुल पाया। उसके लिए अब जब ये पहला अनुभव था, स्वाभाविक है कि जब आप पहली बार कहीं जाएंगे तो हल्का सा नर्वसता तो अंदर रहती है। तो वो थी मेरे अंदर। लोग मेरे पे हंसते हैं ना, कई बार नौजवान हंसते हैं ना, कुछ वीडियो पे लेके हंसते हैं। मुझे अच्छा लगता कि चलो इसी बहाने बेटा तुम हंस तो रहे हो ना, तुम्हारी होंठों पे मुस्कान तो है ना। यदि मेरी किसी बात को लेके आप हंस रहे हैं तो अच्छा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। मेरा नाम विजया तिवारी है और इस वक्त मेरे साथ है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, जिनको अभी कुछ समय पहले आप सभी ने सोशल मीडिया पे तो हर जगह देखा ही है, लेकिन प्रोमोज में देखा है, वो भी लाफ्टर शेफ्स के, और लोग काफी पसंद कर रहे हैं प्रोमोज को। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी पे आपका। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताइए किस तरीके का अनुभव आपका रहा, एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा, पहली बार ऐसे एक टीवी शो पे आना जहां पर इतने हंसी मजाक होता है और इतने सारे लोगों के साथ मिलना हुआ आपका। बहुत अच्छा लगा ये लाफ्टर शो में आकर के। हमें ऐसा लगा कि एक बार इस शो को सबको देखना चाहिए। इस शो में सबको पॉजिटिविटी मिलती है। ये शो जो है ना, ये सबको जोड़ने का काम करता है, सबको कनेक्ट कर, परिवार को। आजकल रिश्ते बिखर रहे हैं, रिश्तों में तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारी जानते हैं क्या है? डिप्रेशन की। हर व्यक्ति चिंता में डूबा हुआ है। और ये जो शो है ना, लाफ्टर शो है, ये बहुत अच्छा है। इन्हें तो बड़ा आशीर्वाद भी मिलेगा सबका। ये तो पुण्य भी कर रहे हैं कलर्स टीवी वाले, क्योंकि ये सबको हंसा रहे हैं, सबको कनेक्ट कर रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं। और हंसाना मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पुण्य है। कोई रो रहा हो, किसी की आंखों में आंसू हो, और तभी आप उसके होंठों पर मुस्कान भर दें, मुझे लगता है कि इसका कोई पुनीत कार्य हो नहीं सकता। जी, और आपको लगता है वो एक 90 का दशक था जब पूरी परिवार साथ में बैठकर रामायण, महाभारत और बुनियाद, हम लोग बहुत सारे शोज देखा करते थे 80s और अर्ली 90s में। रविवार का दिन होता था जब माँ बाप के साथ बच्चे बैठकर टीवी देखा करते थे। वो कहीं ना कहीं एक समय वापस आ रहा है लाफ्टर शेफ जैसे शो के साथ। बिल्कुल, जैसे रामायण को सब लोगों ने बैठकर देखा, महाभारत को सबने बैठकर देखा, ऐसे ही एक बेटी के साथ पिता, एक भाई के साथ भाई, एक भाई के साथ बहन। मतलब ये जो लाफ्टर शो है कलर्स टीवी का, जो फ्राइडे को रात्रि के 10 बजे प्रसारित होता है, ये ना सबको देखना चाहिए। और ये रामायण और महाभारत को जैसे पूरा परिवार देखता है, ऐसे ही शो को सबको देखना चाहिए। और जब मैं शो में गया पहली बार, मेरा तो पहली बार ही जाना था, और जब मैं गया तो मुझे इतना अच्छा लगा वहां जाकर कि इतनी पॉजिटिविटी थी वहां, सकारात्मकता थी। और जी क्या वहां पे लोगों का मन है, इतना बढ़िया हंसाते हैं। वास्तविक में एक बात बताएं हम आपको, जी सबसे कठिन काम हंसाना है। जी और वो कठिन काम ये हमारी भारतीय बहन कृष्णा, स्वदेश जी और सभी, और ये कलर्स के और लाफ्टर के सभी कार्यकर्ता ना ये काम करते हैं। मतलब हंसाना भी ना एक सामान्य बात नहीं है, सब लोग नहीं हंसा पाते। तो ये हंसाना भी बहुत कठिन काम लगा मुझे, लेकिन ये हंसा रहे हैं ना, और वर्षों से हंसा रहे हैं। रोज ये शूटिंग करते हैं, रोज ये कार्य करते हैं, और फिर भी ये एनर्जी से भरे होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और ये जी पूरा शो, इसमें सबसे ज्यादा इन लोगों को पूरे भारत को कनेक्ट करने का ना पुण्य मिलेगा।
सबको इन्होंने जोड़ दिया, सबको हंसा दिया, क्योंकि हंसाने का जो पंच है ना वो सबके बस का नहीं। जी, और आप गए, आप कह रहे हैं कि यू नो इतना इतना अच्छा वहां का आपका अनुभव रहा, सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया, किसके पंचेस आपको लगते हैं कि बहुत ही ज्यादा हिलेरियस थे, बहुत ही ज्यादा हंसाने वाले थे, ऐसे कौन से थे? भारती और कृष्णा सुदेश, इनकी कॉमेडी तो हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन पर्सनली आपने किन के साथ बहुत एंजॉय किया? देखिए वहां पे सभी अच्छे हैं, सभी हंसा रहे हैं, सभी अच्छा काम कर रहे हैं, पर कृष्णा और भारती ये तो मजे हुए हैं, स्वदेश जी मजे हुए हैं, तो ये तीनों का जो काम है ना वो इन तीनों का काम बहुत अच्छा है, बाकी पूरा प्रोग्राम ऑल ऑफ बहुत अच्छा था, लेकिन कृष्णा तो कृष्णा है, वो तो पंच मारने में बिल्कुल परफेक्ट, और भारती भी कम नहीं है, भारती भी हंसाने और हंसने में बिल्कुल रमी हुई है, स्वदेश जी को बुढ़ापे में प्यार हो रहा है, तो ये वहां पे आनंद था, और सभी जो वहां के लोग थे ना सभी अच्छे थे, सभी सभी बढ़िया। आचार्य जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगी कि जब आपको ये पहली बार यू नो ऑफर आया या कहा गया कि हम आपको एज अ गेस्ट बुलाना चाहेंगे, आपका रिएक्शन क्या था? आप भी जाने के लिए उतने ही उत्साहित थे? आपने क्या पहले प्रोग्राम देखा हुआ था? पहले से प्रोग्राम थी, मैंने कुछ कुछ देखा ही था, क्योंकि टीवी पे आता है तो इसको तो कहीं ना कहीं से सब लोग देखते ही है, मैंने भी पहले थोड़ा थोड़ा देख रखा था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रोग्राम में मुझे जाने का मौका मिलेगा, और मैं जाकर के वहां पे बहुत कंफर्टेबल था, क्योंकि सब धर्म से, मैं जब भारती से बात किया तो भारती बोली कि मेरी माँ बहुत धार्मिक है, मैं भी बहुत धार्मिक हूँ, कृष्णा जी ने बताया कि मेरा बेटा तो रोज पूजा करता है, तो मुझे लगा कि चलो ये सब जो हंसाते हैं, ये सब जो यहाँ प्रोग्राम में रहते हैं, इनके बैकग्राउंड में इनका परिवार सब कहीं ना कहीं सब धर्म आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो उन सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सब मेरा परिवार है। देखो बाहर दिखने में तो सब हंसते हंसाते हैं, सब प्रकार की बातें हैं, लेकिन सब ना अंदर से कनेक्ट धर्म से हैं, ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब ईश्वर से, और बहुत अच्छा वातावरण है वहाँ। लेकिन जब आप शो का आपको ऑफर आया, आपको कहीं झिझक थी, संकोच थी कि मतलब ऐसे कॉमेडी शो में जा रहा हूँ मैं, किस तरीके से वहां पे लोग होंगे, क्या क्या जोक्स होंगे, कुछ ऐसी कोई झिझक थी मन में? जाने के पहले तक तो झिझक थी, पर जैसे ही मैं कदम रखा उस शो में और जैसे ही वहां सबको देखा, मेरी सारी झिझक खत्म हो गई, क्योंकि पहला था थोड़ा, मैं तो देखिए लगता है, मैं जब 5 घंटे वहां था मैं, तो मैं उस शो में ना एक लगा मुझे कि मैं अकेला ही हूँ, सब लोगों के साथ हूँ, लेकिन मुझे क्या बोलना है, तो पहली बार में मैं खुल नहीं पाया, मैं जितना बोला वो तो खुल के बोला, लेकिन फिर भी मैं पूरा जितना खुलता हूँ ना वैसा नहीं खुल पाया उसके लिए। अब जब ये पहला अनुभव था, स्वाभाविक है कि जब आप पहली बार कहीं जाएंगे तो हल्का सा नर्वसता तो अंदर रहती है, तो थी मेरे अंदर, मैं पूरा पूरा कोशिश तो किया कि मैं खुलूं, लेकिन वो पहला था, उसके बाद अब मैं पूरा खुल गया कि नहीं मेरे को खूब हंसते हंसाते ही कार्य करना है, और फिर वहां जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप पर्सनली टीवी देखते हैं, कौन से शोज आप देखकर बड़े हुए हैं, कौन से अभिनेता आपको बहुत पसंद है, किनका काम आपको बहुत पसंद है? कलर्स टीवी पर जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना, अधिकाधिक अच्छे ही हैं, फैमिली शो हैं इनके, और अधिक कुछ कुछ प्रोग्राम मैंने देखे हैं कलर्स के, और जिसमें एक लाफ्टर शो तो है ही, तो ये तो सबको देखना चाहिए, और टीवी पर तो बहुत कुछ आता है, पर जो अच्छी चीजें होती हैं वो मैं देख लेता हूँ, समय कम मिलता है वो, फिर भी समय निकाल के कुछ ना कुछ अच्छी चीजें देखता हूँ, और अच्छा लगता है मुझे, हंसना अच्छा लगता है, हंसाना अच्छा लगता है, खुश रहना अच्छा लगता है, और खुश रखना अच्छा लगता है। मेरे आसपास जितने लोग हैं मैं सबको कहता हूँ, खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन खुश रहो, आखिर सारा पैसा भी किसके लिए है, खुशी के लिए है, यदि हम पैसा कमा के भी खुश नहीं है, हम परिवार के साथ खुश नहीं है, तो फिर क्या मतलब, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है आपकी खुशी, और वो खुशी सबके होठों में भरने का काम ये लाफ्टर शो कर रहा है, कलर्स टीवी कर रहा है, इसलिए हम सबको कलर्स टीवी को खूब खूब आशीर्वाद देना चाहिए, और इस प्रोग्राम को सबको देखना चाहिए, क्योंकि सबको सबके होठों पर मुस्कान भरने का कार्य है। मैं भी वहां गया ना तो मैं भी खुल के हंसा, कृष्णा ने, स्वदेश ने, भारती ने, और भी भाइयों ने बहनों ने खूब हंसाया, मैं भी वहां खूब हंसा,
जी। बहुत अच्छा लगा। और आचार्य जी, आजकल पहले का जमाना था जब हम फोन के थ्रू या चिट्ठी के थ्रू जो भी महसूस करते थे वो बताते थे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपके भी कई वीडियोस जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो आपको पर्सनली मिल नहीं पाते, वो घर बैठकर आपके वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करते हैं, आपके क्लिप्स छोटे छोटे जो आपके यहाँ से वायरल होते हैं वो देखकर लोग पसंद करते हैं। जो ये सोशल मीडिया का जमाना, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं इसकी एक अच्छाई भी है कि ये लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। तो हैंड टू हैंड आपको रिएक्शन मिल जाते हैं कि आपको किसका काम पसंद आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है। लेकिन एक एक सेक्शन ऑफ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, दूसरों के ऊपर छींटाकशी करने लगते हैं। क्या कहेंगे आप ये सोशल मीडिया का जो जमाना है इसके बारे में? सोशल मीडिया का जमाना बहुत अच्छा है। कुछ चीजें तो बहुत अच्छी हैं, पर कुछ चीजें हैं जो व्यक्ति किसी को परेशान करता है, मिसयूज करता है। क्योंकि हमें कोई ट्रोल करे, कोई हमारे ऊपर हंसे, तो हमें ज्यादा प्रभाव इस बात से नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम कहना है। मैं अच्छा करूंगा, माता सीता अच्छी थी, फिर भी तो जमाने ने उनको कहा, तो संसार का तो स्वभाव है कहने का। लेकिन फिर भी आप इस बात से बिल्कुल दुखी ना हो कि लोग क्या कह रहे हैं, बस आप समाज के काम आ रहे हैं ना। लोग मेरे पे हंसते हैं ना, कई बार नौजवान हंसते हैं ना, कुछ वीडियो पे लेके हंसते हैं, मुझे अच्छा लगता कि चलो इसी बहाने बेटा तुम हंस तो रहे हो ना, तुम्हारी होंठों पे मुस्कान तो है ना, यदि मेरी किसी बात को लेके आप हंस रहे हैं तो अच्छा है। मैं किसी को रुला तो नहीं रहा ना, किसी को हंसा रहा हूँ, और हंसाना बहुत अच्छा काम है। इसलिए सोशल मीडिया बहुत अच्छी है, यदि उसका प्रयोग किया जाए, उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छा है। अब सोशल मीडिया के द्वारा ही तो मैं कलर्स तक पहुंचा, उस शो तक पहुंचा, और उस शो को मैंने देखा। तो आखिर कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया है जो आपको अच्छी जगह भी ले जाती है, बस आपको धैर्य रखना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं, और सोशल मीडिया से जुड़ करके हम अपने यूथ को, नौजवान दोस्तों को सही दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो जी ये अच्छी बात है। सोशल मीडिया पे क्या है, अभी देखो मैंने कुछ दिन पहले कहा ना कि बिस्किट मतलब बिस्की किट है ये, अभी कुछ बच्चे बीमार पड़ गए बिस्किट खा के, तो जो कहा था वो बात ठीक थी, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैं बुरा नहीं माना ना, लोगों ने मजाक उड़ाया क्योंकि मुझे पता था कि मैं सही हूँ, और परिणाम देखिए आ गया। तो सब्र रखना पड़ता है, उसका परिणाम आता है। हमें अच्छा कार्य करते रहना चाहिए, अच्छे कार्य में कोई विघ्न आए तो भी, हमें जब समुद्र मंथन हुआ ना तो सबसे पहले जहर निकला, अमृत सबसे आखिरी में निकला। तो जब भी कोई काम अच्छा करते हैं तो सबसे पहले निराशा हताशा हाथ लगती है, ये फिर परिणाम अंत में आएगा, तब तक के लिए बने रहना पड़ता है। लेकिन आप तक भी ये सारी चीजें आती हैं जब कुछ लोग जो धर्म को शायद समझ नहीं पाते या कुछ आपकी बातों को समझ नहीं पाते, आपकी बातों से रिलेट नहीं करते, वो कुछ ऐसे यंगस्टर्स भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मजाक बनाते हैं, आप तक ये बातें पहुंचती हैं? पहुंचती है ना, मैं उनका देता हूं। जैसे अभी लाफ्टर शो में ही मेरी एक बहन ने पूछा कि 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए, तो मैंने उत्तर दिया कि बेटा ये आपकी बुद्धि का परीक्षण करने के पहले लोग ना, पहले के लोग सवाल करते थे कि 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए, इससे पता चलता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। ये परीक्षण था खोपड़ी का, बुद्धि का, मस्तिष्क का। तो ये मैंने बोला कि फिर आपकी मात्रा जोड़ना, ये तो हिंदी वाला है, ये तो पहेलियां हैं। तो लास्ट में भी ये बातें हुई और हम सब ने ये बातें की, भारती भी बोली कि मैं भी, कृष्णा बोले कि मैं भी सुना, जब ये तो आश्चर्य में रहा कि क्या होगा इसका उत्तर। तो ये सब बुद्धि का विकास पहले के लोग ऐसे ही पूछ पूछ के करते थे, इसलिए सवाल जरूर करना चाहिए, बच्चों से सवाल करना चाहिए, ताकि उनका मस्तिष्क उसके जवाब देने के लिए तैयार हो, इससे बुद्धि का विकास होता है। ये बुद्धि के विकास के लिए पहले के लोगों ने कुछ चीजें बनाई थी, अपने हंसाने के और सबको सेवा धर्म की दे पाऊं, धर्म से जोड़ पाऊं सबको, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू सो मच अनिरुद्ध आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी और किसी शो में हम देख पाए। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्ते।